मधुर। बोलो। हाँ लेना 50 रुपये में दी थी चौक के आज के लिए लेने पैसे लिया। हाँ भाई आज हम करेंगे होता क्या है माइनस माइनस क्या होता है। माइनस एलिमेंट्स के होते हैं जो डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं माइनर उनसे रिलेटेड है। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें चार एलिमेंट है, पावर बैंक कहेगी मेरी, पावर बैंक सब चार एलिमेंट्स हैं, इनके माइनर होंगे। माइनर होता क्या है, द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग रो एंड कॉलम। ऑफ एन एलिमेंट किसी एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करते तो जो माइनर बचेगा, जो डिटरमिनेंट बचेगा वो माइनर होगा। जैसे इसमें चार एलिमेंट है, एक तीन दो चार, तो M11 का मतलब पहली रो के पहले एलिमेंट का माइनर। तो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसकी रो को भी कॉलम को भी दबा दो, जो M12, M12 का मतलब है पहली रो के दूसरे एलिमेंट का माइनर। ये आपका पहली रो है, इसका दूसरा एलिमेंट ये है। माइनर कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, थ्री की बात कर रहे हैं, थ्री की कॉलम भी दबा दो, रो भी दबा दो। M21 इसका माइनर कैसे करेंगे, देखिए इस एलिमेंट के लिए रो भी दबा दो कॉलम भी दबा दो। M22 इस एलिमेंट के लिए, 22 सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट, ये रो ये कॉलम है ये रो। माइनर बताओ भी सबको समझ आएगा कि नहीं। ठीक है भाई, हो गया कल। बस अब 2 बाई 2 का माइनर आपको निकालना है भाई। 2 बाई 2 का पूछना है किसी को?
प्रवेश लक्ष्य जिस एलिमेंट का कर रहे हैं, मान लेते हैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो इसकी रो और कॉलम को दबा दो, ये बच गया। इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की रो और कॉलम दबा दो, ये बच गया। इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं एम टू वन सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये रो ये कॉलम थ्री। इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो इस एलिमेंट का ये रो ये कॉलम दबा दो, ये बच गया। ये दो बाई दो के मैट्रिक्स का माइनर निकालना सिखा दिया। अब अगर तीन बाई तीन का हो, तीन बाई तीन का मैट्रिक्स है, माइनर एलिमेंट का होता है, उसका मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से लेना देना नहीं। देखिए अब हम पहले एलिमेंट का इसका माइनर निकालेंगे M11। कैसे निकालेंगे? इसकी रो को भी दबा दो, इसके कॉलम को भी दबा दो। ये रो दबा दी, ये कॉलम दबा, ये बच गया आपको 2113। सोल्व कर दो भैया, 3 2 6 माइनस 1। अब M12 का मतलब इसका माइनस, पहली रो के 1 2 पहली रो के दूसरे एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसकी कॉलम में दबा दो, रो भी दबा दो, 3 1 1 3 3 1 1 3। यह आ गया 3 3 9 - 1 8। आप M13 इस एलिमेंट का माइनस, इस एलिमेंट की भी ये कॉलम दबा दो, ये रो दबा दो। अब डायरेक्ट कर दो, ये 3 1 3 - 2 पहली रो बताइए आप लोगों को माइनर फाइंड आउट करने आए कि नहीं आए। आप सेकंड रो देखिए M21 इसके लिए करो भाई, इसके लिए ये तो आपकी ये एलिमेंट है, ये दबा दो और ये दबा दो, ये दबा दिया, ये और ये जो बच गया -3 - 4। डायरेक्ट कर दो भाई अब M22 इसके लिए, ये दब गया और ये दब गया, 2 3 6 - 4। M23 इसके लिए, ये दब गई, ये दब गया, ये कॉलम ये रो, 2 1 - 2 - -1। M31 इस एलिमेंट के लिए, ये कॉलम दबा दो और ये रो दबा दो, ये -1 - -8। M23 इस एलिमेंट के लिए, ये रो दबा दी, ये कॉलम दबा दी, 2 1 - 2 - 12। M33
M33 इसके लिए, ये दबा दिया और ये दबा दिया, ये रो और ये कॉलम, 2 2 4 -3, बताओ भाई मधुर। बता कहाँ डाउट है, को फैक्टर्स क्या होते हैं? को फैक्टर होते हैं बेटा ए आई जे से भी लिख देते हैं, सी आई जे से भी लिख देते हैं, ये -1 की पावर i + j एम आई जे का मतलब माइनस, ए आई जे का मतलब को फैक्टर। यानी कि क्या फर्क है, ये को फैक्टर है इधर माइनस, तो -1 की पावर i + j से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे हम को फैक्टर निकालने के लिए माइनर को, यानी कि माइनर को -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करेंगे को फैक्टर निकालने के लिए। देखिए जैसे ये आपका है, ये कुल मैट्रिक्स A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसका माइनर, माइनर मतलब दबाने वाला प्रोग्राम, माइनर मतलब दबाने वाला प्रोग्राम, इसका माइनर क्या होगा भाई, ये दबा दिया ये दबा दिया 5, तो कुल मिलाकर 5। A12 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 2 M12 का मतलब इस एलिमेंट का माइनर, माइनर मतलब इस एलिमेंट का माइनर, इसकी रो भी दबा दी कॉलम भी दबा दिया, ये बच गया 1 और ये माइनस। A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू इस एलिमेंट के लिए, ये कॉलम दबा दिया ये रो दबा, A22 -1 raised to power 2 + 2 इंटू इस एलिमेंट के लिए, ये कॉलम और ये बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? लक्ष्य मधुर प्रवेश, प्रवेश प्रवेश की आवाज, अच्छा वो दूसरा यार भूल गया, मधुर कहीं कोई डाउट नहीं है? यानी कि हम जो आपके कोफैक्टर्स है ना, वो माइनर को प्लस माइनस से और मल्टीप्लाई करना है। मैं ऐसे याद रखता हूं कि माइनर का मतलब दबाने वाला प्रोग्राम और कोफैक्टर का मतलब प्लस माइनस दबाने वाला होगा, यानी कि प्लस माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है। और वो राम कहानी भी आप लोगों को मैं इजी से समझा देता हूं, एक बार इसको कॉपी दे दे लिए 3x3 का कर अलग पूरा पेज चाहिए ना, तो साफ सुथरा नहीं हो पाता। और देखो भाई कोफैक्टर्स के बाद क्या करना है, तीन बाई तीन के लिए कोफैक्टर निकालें, ये 3x3 है। हम ऐसा करते हैं,
इसमें नो एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। आप इस सफिक्स को जोड़ो, आई और जे दोनों को ऐड करो, अगर ऐड करने पे इवन आए तो प्लस और नहीं तो माइनस। दोबारा सुनिए, आप अपने सफिक्स को जोड़िए आई प्लस जे को, वन प्लस वन टू, इवन आया तो प्लस, ओड आया तो माइनस। माइनस देखिए, आई प्लस जे होता ना, माइनस वन की आई प्लस जे, माइनस वन की वन प्लस वन टू, यानी कि आपका ये प्लस, एक और दो तीन ओड माइनस, एक और तीन चार प्लस, दो और एक तीन माइनस, दो चार प्लस, तीन दो पांच माइनस, तीन और एक चार प्लस, तीन और दो पांच माइनस, तीन तीन छह प्लस। प्लस माइनस का साइन लगाना आया कि नहीं आया सबको? आ गया, सबके प्लस माइनस लगा दिए। अब हम बहुत आसानी से करेंगे, किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकालना है आपको। अब क्या करेंगे, इसकी रो भी दबा दो और इसका कॉलम भी दबा दो, बच गए आपके पास टू थ्री फोर टू, यानी कि प्लस माइनस लगाते और माइनर वाला काम तो करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें चार माइनस बारह। अब देखिए, बोलो भाई, जी बाकी काम तो डिटर्मिनेंट वाला ही है। नहीं नहीं ये ये एक्स्ट्रा वर्क है, डिटर्मिनेंट के अलावा है ये। ये एक्स्ट्रा साइन है। और देखो, और देखो आप ए वन टू, इसके लिए ये रो दबा दो और ये कॉलम दबा दो, वन फाइव फोर टू, वन फाइव फोर टू, दो माइनस बीस। अरे भी दो चीज है, प्लस माइनस और माइनस। प्लस माइनस का साइन मैंने क्या कहा, सफिक्स को ऐड करना है, वन प्लस वन टू, इवन आ रहा है तो प्लस, ओड आ रहा है तो माइनस। और माइनर का मतलब जिस एलिमेंट का ले रहे हैं उसकी रो और कॉलम दबा। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? ए वन थ्री इसके लिए। अब मैं डायरेक्ट करूंगा भाई, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हां माइनर निकाल के एक्स्ट्रा साइन हो रहा है, कंफ्यूज हो गए तुम तो भाई, इसका मतलब अब देखिए। अब ये रो और ये कॉलम, जिस इस एलिमेंट की बात करें, ये कॉलम दब गया, ये रो दब गया, तीन एकम तीन माइनस दस, अब इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए ये रो दबा दो, इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम, माइनस का दो और माइनस का छह, माइनस दो माइनस छह। ठीक है भाई, एक बजे यही के लिए बांध के जाती, ए टू टू, ए टू टू इसके लिए ये दब गया, ये और ये
तीन दूनी छह माइनस दस, टू थ्री में इसके लिए ये रो दबा दो, ये रो दबा दो, ये कॉलम दबा दो, नाइन माइनस फाइव ए थ्री वन, ए थ्री वन तीन और एक चार प्लस इसके लिए ये रो दबा दो भाई, ये कॉलम दबा, माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर ए थ्री टू, थ्री टू जे ये कॉलम और ये बारह माइनस फोर ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री इसके लिए ये दबा दिया, ये दबा दिया, ये अभी छह माइनस माइनस है भाई, ये किसी को समझ नहीं आओ तो दोबारा पूछ लेना। ए थ्री टू माइनस टेन, ठीक है इसका मतलब समझ आ गया। जब बच्चे गलती निकालना शुरू कर दें, निकिता बता बेटा समझ आया कि नहीं है? अब दोबारा में क्लियर हो जाएगा। और कई बार लापरवाही क्या होती है कि आप डेली काम नहीं करते, और नहीं मेरी ये गारंटी है कि जिस बच्चे को मेरा समझ नहीं आता ना उसको समझ नहीं आएगा। बहुत इजीली मैं पूरी कोशिश करता हूं हर बार, हर साल, ये नहीं है कि मैं इतना साल पुराना हो गया था मुझे नहीं, हर साल पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे 100% बच्चे को चीजें समझ में आए, क्योंकि मेरा काम यही है, इसके अलावा तो काम कर देते। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो। मधुर, मधुर बता भाई, लक्ष्य मधुर, बिल्कुल क्लियर है? दो चीजें हैं इसमें,